सब तो कैसा सब तो आज हम बात करने वाले यूथिया चूतिया और फीफ्टिया बॉयज के बारे में। ये वो इंसान है जिनके चैनल पर देसी वर्सेस प्यार, देसी की यारी, देसी का प्यार, देसी की यारी, देसी की यारी और देसी का प्यार, भाई वर्सेस बहन और कभी कभी बहन वर्सेस प्यार, इन टॉपिक के अलावा तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। एक ये चैनल है और दूसरा ये साला इतनी गरीबी दिल्ली में नहीं होगी जितनी इसके चैनल में। इतनी बकचोदी करने के बाद अब इनका ये चैनल डेड चैनल बन चुका है। इसलिए कहते हैं टाइम के साथ साथ अपने कॉन्टेंट को बदल लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी गरीबी के। प्लीज़ भाई मुझे आखिरी मौका दे दो भाई, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूँगा भाई, भाई मुझे मानना मत भाई, भाई प्लीज़ भाई। अरे इतनी जल्दी किस बात की है तुझे, पहले यो शतरंज का गेम तो खेल ले। ये जो राजा है ना, अगर ये बच गया तो तू भी बच गया, अगर ये मर गया तू भी मर गया। अरे यार साला ये साउंड इफेक्ट बिंदल बीट से उठाकर लगाया या वीडियो एडिट करने वाले को चीन से बुलाया था? मेरे कान और सामने वाले की वॉइस बिल्कुल बंद हो गई है। ये हो गया तेरा राजा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। एक्टिंग नहीं साला, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? और तुम्हें स्क्रिप्ट अच्छे से लिखने नहीं आते तो चेस तो ढंग से खेल लो। क्या हुआ मैडम? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अर्जेंटली किससे मिलने जाना था, तो क्या आप 30 मिनट आगे तक ड्रॉप कर दोगे? किससे मिलना आपको? वो इस गाँव में कल मिस्टर सचिन, उनसे काम था मुझे। मिस्टर सचिन? हाँ जानता हूँ मैं उन्हें, यही पास उनके घर है, यही छोड़ दूँगा आपको। और मेरी कार? आप टेंशन में लीजिए, इस गांव में आपकी गाड़ी एकदम सेफ है, आप आइए। कैसे आपको किसी से मिलना क्यों? वो एक्चुअली मैंने रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट टीम से, हमारी टीम इस गांव को डेवलप करना चाहती है, लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलना, इसलिए मुझे मिस्टर सचिन से मिलना था क्योंकि इस गांव की लैंड परमिशन सिर्फ वही मुझे था। इस गांव में कंपनी ने मतलब क्या किया? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आ गया मैडम। अरे सचिन कहाँ था, इतने लेट कहाँ हो गया? मतलब आप ही सचिन हो? जी। नाइस यार, ऐसा इंसान पहली बार देख रहा हूँ जिसको ये तो पता है उसको जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, वो लेकिन ये नहीं पता जिसके पास जाना है वो दिखता कैसा है। ये वाली बकचोदी 99 में ही खत्म हो गई थी। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहा? सोच रहा हूँ उस लड़की के बारे में, वो शहर से आई है, मुझे लगता है जो लड़की बात कर रही है हमारे गांव में अस्पताल खोलने की, स्कूल खोलने की, क्या ये सही है? भाई मेरे हिसाब से लड़की बहुत अच्छी है, मतलब शहर की पढ़ी लिखी है और हमारे गांव का विकास ही तो चाह रही है, मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। भाई ध्यान तो देना चाहिए लेकिन गांव के विकास पे, लड़की पे नहीं। भाई गांव के विकास पे कह रहा हूं। तू क्या बोलता है? भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है क्योंकि विकास तो अपने गाँव का ही होना है। भाई मैं भी यही कह रहा हूँ। तो एक काम कर, उसे बुला लिया। बस यार बस इनके बकचोदी मुझसे और सहन नहीं हो रही, और ये वीडियो इस मूवी से कॉपी की गई है, बस दो तीन चीजें हैं जो चेंज की गई है। और यार लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई हैट नहीं है, और यार कुछ नया ट्राई करो वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा चैनल भी इस चैनल की तरह डेड चैनल बन जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार, 1K करवा दो यार। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो ओके भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।